पता नहीं कौन हमें मोमबत्ती पकड़ना सिखा गया, वरना नारी के सम्मान में तो लंका दहन और महाभारत करने की संस्कृति रही है। हमारे दोस्त बात करने वाला हूँ नारीवाद टॉपिक के ऊपर। नारीवाद टॉपिक से थोड़ा हटके पहले ये देखते हैं यार, हम जम्मू कश्मीर का मामला हो, नाप का हो या कठुआ का हो, हाथरस का हो या दामनी केस हो, भारत के अंदर दोस्तों आए दिन ऐसी घटनाएं घटती हैं। कई केसेस को तो अपनी इज्जत समझ के छुपा लिया जाता है, आगे बताया नहीं जाता। महिलाओं को ये बोल के पड़ताड़ना, टॉर्चर किया जाता है कि तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। आज से नहीं, जब मानव सभ्यता का उदय हुआ था, जन्म हुआ था, जब से ये कहानी ये प्रथा चलते आ रही है, और पुरुष प्रधान सभ्यता हमारा जिसको पैट्रियार्की सिस्टम कहते हैं, क्रिटिसिज्म किया गया है दोस्तों फेमिनिज्म के द्वारा इस टॉपिक का। स्पेशली पता है महिलाओं को लेकर हमारे समाज के अंदर मानसिकता बिल्कुल ही अलग है, और जो ऐसा कहते हैं ना कि महिला ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, और ऐसे लोगों के मन में ये सारी भावनाएं ये पनप क्यों रही है, कहाँ से? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के बेस पे भेदभाव कहाँ से आया? लड़का बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, लड़कियाँ कम ताकतवर होती है, ये सारे विचार कहाँ से निकल कर आए? किसने ये लड़कियों और लड़कों के बीच में भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया? कहाँ से ये सब चीज़ें कहाँ से आनी स्टार्ट हो गई? लड़कियों को सिर्फ, यानी कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, क्या उनको सिर्फ ये शारीरिक एक वस्तु समझकर हम अपने जिस्म के रूप में उनका यूज करें? बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही जाती है। इन्हीं सभी चीज़ों का एक बड़ा सा पर्सपेक्टिव निकल कर आया, और जब हम एज अ पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक थ्योरेटिकल बेस में इसको स्टडी करते हैं, तो हम बात करते हैं फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म मतलब नारीवाद, नारीवाद का मतलब जो इस बात की स्टडी करते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में, महिला और पुरुष के बीच में, ये क्यों है, ये कब से है, ये कहाँ से आया, ऐसा क्यों है तो कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसका मेन रीज़न क्या है, जो इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, डेट इज़ नोन एज फेमिनिज्म। इसको कहते हैं हम नारीवाद। नारीवाद की अवधारणा दोस्त एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक थ्योरी के रूप में डिस्कस किया जाता है। हर वो महिला नारीवादी है, हर वो महिला नारीवादी है जो अपने राइट्स की डिमांड करती है, जो पुरुष और महिला में समानता की बात करती है। नारीवाद स्पेशली कोई ज़्यादा स्पेशल राइट्स नहीं मांगते, ये तो बस इतना ही कहते हैं कि जैसा पुरुषों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जैसा मेल के साथ किया जा रहा है, सेम वैसे फीमेल के साथ किया जाए, जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। चलिए दोस्तों, तो ये बात यहाँ पे हो गई कंप्लीट, ये हमारी होगी नारीवादी। बी ए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हो, प्रोग्राम में हो, सेमेस्टर फर्स्ट में अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी अन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आपका ये टॉपिक होने वाला है। चलिए क्या करके बात करते हैं हम इस टॉपिक के बारे में। एक चीज़ पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि नारीवादी एक ऐसी थ्योरी रही है, एक ऐसी विचारधारा रही है जो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, स्पेशली एक ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां पे इसका राइज हुआ है, लेकिन इसके राइज में वेस्टर्न कंट्री ने बहुत ज्यादा भूमिका निभाई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, पता आप सभी को, इन कंट्रीज के अंदर महिलाओं को बहुत ज्यादा सफरेज, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। इवन सऊदी अरब का आपने नाम सुना, आपने जानते हो किस तरीके से महिलाओं को वहां पे कोई राइट्स नहीं दिया जाता, और किस तरीके से यार वहां पे अब जाके वोटिंग का राइट, ड्राइविंग का राइट जाके महिलाओं को मिला। ऐसे महिलाओं को साथ ही ऐसा क्यों? इन सभी बातों का स्टडी करते हैं नारीवादी। तो नारीवादी का मतलब होता है जो नारियों की बात करे, जो महिलाओं के अधिकारों की बात करे, जो उनके साथ भेदभाव किया गया है पुरुषों को लेकर, इन सभी चीज़ों की समानता की बात करते हैं सोसाइटी के अंदर, पुरुष और महिला जो है इनमें समानता की जो बात करे, पैट्रियार्की सिस्टम के अंत की बात करे। पैट्रियार्की सिस्टम मतलब है पितृसत्ता, पुरुष प्रधान सभ्यता, जहाँ पे पुरुषों को प्रॉपर्टी पे राइट होता है, मेल को प्रॉपर्टी पे राइट होता है, बट फीमेल को नहीं होता, तो ये सब इसकी अंत करने की बात करते हैं। यही है नारीवादी थ्योरी। ये जो नारीवादी हमारी है जो थ्योरी, इसका राइज कैसे हुआ, क्यों? क्योंकि अभी तो हम ये बात करते हैं कि महिलाओं को ये मिलना चाहिए, महिलाओं को ये मिलना चाहिए, और ऐसे छोटे मानसिकता वाले लोग जो कहते हैं ना कि छोटे कपड़े पहनने से लड़की के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसे छोटे मानसिकता वालों को ये वीडियो आज के देखनी चाहिए। गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर गवर्नमेंट के लिए स्टडी किया जाता है, होम साइंस के अंदर होम साइंस पढ़ा जाता है ना, जिसमें पूरा आपका होम का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं हम, एंड बायोलॉजी के अंदर पूरे बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया, फिजिक्स में फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री। तो ऐसे एक फेमिनिज्म टॉपिक है जिसके अंदर टोटली महिलाओं की बात की जाती है। समझ आ गया आप सभी को? तो इसमें कन्फ्यूजन ये होना कि फेमिनिज्म नाम का एक जो थ्योरी है ये है क्या। दरअसल बात यह है कि जैसे कि ये फेमिनिज्म है, जितनी भी और तमाम थ्योरी होते हैं सेम पॉलिटिकल को लेकर, यानी कि लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस, राइट्स, जैसे ये थ्योरीज है, सेम इसी तरीके से एक और थ्योरीज है, वो है फेमिनिज्म नारीवाद। ये आलोचना ही करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कुछ थ्योरीज का, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका राइज हुआ कैसे है। ये स्टार्टिंग से नहीं रहा है, 19-20 सेंचुरी के अंदर ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन पहले बात करते हैं, फेमिनिज्म इज अ कलेक्शन ऑफ मूवमेंट्स एंड
आइडियोलॉजीज। तमाम तरह के आंदोलन का एक समूह जिनमें महिलाओं का बड़ा योगदान रहा, और ये एक आइडियोलॉजीज है जो महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, वो सबके सब फेमिनिस्ट है, सबके सब फेमिनिस्ट है। तो हम सब एक फेमिनिज्म है जो महिलाओं की राइट्स की बात कर रहा है, समझना आप सभी को ध्यान रखना है। अब एक एक करके समझेंगे हम कि महिलाओं का ये जो है ना आइडियोलॉजी, जो फेमिनिज्म है, इसका डेवलपमेंट अचानक से नहीं हुआ, इसके डेवलपमेंट को तीन फेजेस में बांट दिया गया है, जिसको थ्री फेजेस या थ्री वेव्स कहते हैं। ये जो है ना चार्ल्स फ्यूरियर, इनका जो नाम यहाँ पे, तो चार्ल्स फ्यूरियर के द्वारा 1837 के अंदर क्या हुआ था, फेमिनिज्म वर्ड को सबसे पहले यूज किया गया था। तो फेमिनिज्म वर्ड पहले नहीं था, मैंने आपको बताया, लेकिन महिलाओं के राइट्स को लेकर डिमांड तो बहुत पहले से की जा रही है। आपको पता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, चाहे इंडिया में हो या बैचन कंट्री के अंदर हो, तमाम जैसे कि भारत में कुछ कस्टम, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारे ऐसे कस्टम रहे हैं, महिलाओं को काफ़ी ओप्रेस, अत्याचार सहना पड़ा है। जैसे कि आप यहीं पे देख रहे हो 1829 के अंदर, जैसे राजा राम मोहन राय ने भाई सती प्रथा खत्म, फिर बाल विवाह खत्म हुआ, तमाम तरह की जो प्रथाएं वो खत्म हुई। लेकिन ये सब प्रथाएं एक समय पे ऐसी थी जो हमारे महिलाओं को पुरुषों से अलग करके और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती थी, यही सब चीज़ था। तो लेकिन सबसे पहले जब पूरी दुनिया के महिलाओं ने महिलाओं के राइट्स को लेकर बात करनी स्टार्ट करी, वुमेन्स राइट्स की बात करी, तो वहाँ पे एक अलग तरह की आइडियोलॉजी आई जिसका नाम था फेमिनिज्म। इस वर्ड को सबसे पहले किसके द्वारा, चार्ल्स फोरियर के द्वारा यूज किया गया था 1837 के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ ध्यान रखना, हिस्टोरिक मूवमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं जिसमें ऐसा माना गया है कि लड़कियाँ यानी कि महिलाएँ पुरुष के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर होती हैं, है ना, वो काम नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकते हैं। ऐसी आइडियोलॉजी लेके लोग पूरी दुनिया और पूरे मार्केट में भरे पड़े मिलेंगे। आज भी ऐसे छोटी मानसिकता के लोग हैं जो समाज के अंदर, लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ, महिलाएं पुरुष के मुकाबले कहीं पे भी, किसी भी लेवल, किसी भी सेक्टर में कम नहीं है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सभी को। और ऐसा बोलने वाले जो है ना, वो पता नहीं समाज में यार धरती पर आते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता, कल्चर्स को लेकर हमेशा से महिलाओं को प्रताड़ना सहना पड़ा है कि हमारे कल्चर में ये है, हमारे कल्चर में ये है, तुम्हें ये सहना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ये नहीं पहनना, तुम्हें ये नहीं करना, अरे 6 बज गए कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर नहीं जाना, अरे अपनी बहनों के ऊपर भाई ऐसे कहाँ कर रही है, भाई किससे बात कर रही है, चैटिंग किससे कर रही है, इस तरीके से रख के लड़कियों के मानसिकता को और ज़्यादा प्रताड़ना कर दी जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आजकल क्या होता है कि लड़कियों को इस तरीके से देखा जाता है कि बस वो कुछ भी कर रही है तो कहीं ना कहीं वो कुछ गलत ना कर दे, बस ये ना कर दे। हर इंसान को डर होती है अपनी बहनों और अपनी महिलाओं को इज्जत को लेकर, लेकिन प्लीज़ जब तक हम उदार नहीं होंगे, हम जब तक हम लिबरल नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या करें, जब हम उदार और लिबरल बनेंगे तो सोसाइटी में जो दानव है वो जीने नहीं देंगे, हैं, समझ में आ गया सभी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर दामनी जैसा केस, प्रियंका रेड्डी जैसा केस, हाथरा जैसा केस, जब ऐसा केस होता है तब तमाम तरह की घटनाएं सोसाइटी में पनपने लग जाती है। लेकिन इसके अलग पर्सपेक्टिव है यार ये, है ना, इसमें कोई कानून जितना ज़्यादा फोर्सफुली हो वो तो हो, लेकिन लोगों की मानसिकता चेंज जब तक नहीं होगी ये घटनाएं नहीं रुकने वाली। तो मानसिकता का सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे। तो कल्चर्स को लेकर महिलाओं को काफ़ी ओप्रेस सहना पड़ता है। अब अलग अलग कल्चर्स के अंदर, चाहे इंडियन कल्चर्स की बात करो, वेस्टर्न कल्चर्स की बात करो, महिलाओं को हमेशा से ओप्रेस सहना पड़ा है। वोटिंग का राइट नहीं हुआ करता था महिलाओं को, दोस्त उनको हमेशा, वो एक बंदा है जेएस मिल, नाम सुना होगा आप सभी ने, आगे आप मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में। जेएस मिल ने पता क्या कहा था, जेएस मिल ने कहा कि महिलाओं को, विदेशियों को और जो ST SC के लोग होते हैं, इनको पॉलिटिकल का राइट्स नहीं मिलना चाहिए, इनको वोटिंग का राइट दे दो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके पास मंदबुद्धि के लोग होते हैं, ये महिलाओं को मंदबुद्धि नाम से इसने कहा, जेएस मिल ने बोला इनके पास बुद्धि नहीं है, ये पॉलिटिकल राइट्स इनको मिल गया तो ऐसे नेताओं को चुन देंगे, ये वोट दे देंगे और वो नेता हमारे किसी काम का नहीं होगा। जेएस मिल ने साफ ये कह दिया। आपने नाम सुना होगा अरिस्टो को, है फादर कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस का, महिलाओं को दरकिनार कर दिया पॉलिटिकल साइंस से, इसने कहा कि महिलाओं को पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, महिलाओं के अंदर वो क्षमताएं नहीं होती। तो सोसाइटी के अंदर इस तरीके के विचार वेस्टर्न कल्चर से ही निकल कर आए हैं और ये तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फर्क चले गया। अब आप जरा एक बार सोचना कि दुनिया में तो हम सब, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सब एक समय एक बराबर आए थे हम, लेकिन इस तरीके से ये विचार कहाँ से निकल कर आया कि महिला कमजोर होती है, महिला ये होती है। टॉपिक एंड में डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम। तो कल्चर्स के भी ओप्रेस रहना पड़ा। कंट्री वाइज की हम बात करें तो अभी आपको मैंने बताया एशियन, देखो कॉन्टिनेंट की बात करें हम तो एशिया हो या अफ्रीका हो या साउथ अमेरिका हो प्लस आपका यूरोपियन कंट्रीज हो, महिलाओं को ऐसा कोई भी एक कंट्री का नाम बताओ जहाँ पर महिलाओं को प्रेस नहीं सहना पड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना, महिलाओं के साथ ही अत्याचार, ऐसा क्यों? महिलाएं वस्तु हैं,
अब यही सेम घटना, मैं ये तो नहीं कहूंगी पुरुषों के साथ ये सेम घटना हो जाए, ऐसा तो नहीं हो, लेकिन सिर्फ महिलाओं के साथ ही क्यों? ये जवाब जो है ना दोस्त, पूरी दुनिया के अंदर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और एक ही बात, जब तक ये खत्म हो, जब तक हमारी मानसिकता में चेंज नहीं आएगी। तो कंट्रीज की हम बात करें तो यहाँ पे ये जो छाप दिखा रहा है, ये पंजा यहाँ पे दिखा रहा है, ये यहाँ पे इसलिए दिखाया गया है कि वर्ल्ड के तमाम ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे महिलाओं के नाम को लेकर धब्बा ना लगा हो। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है, कोई भी कंट्री नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। चाहे किसी कंट्री में कम हो, किसी कंट्री में ज़्यादा हो, महिलाओं से छेड़ खाने की समस्या, रेप की घटनाएं, बहुत तमाम घटनाएं आती रहती है। तो ये घटनाएं कब बंद होगी? हम कोजिस की बात करते हैं, इसकी क्या है इसका कारण? पैनिक, महिलाओं इतना ज़्यादा ऑप्रेस में क्यों रहती है? इसका मेन बताओ ना रीज़न क्या है? महिलाओं, जब फेमिनिस्ट की हम बात करें तो महिला बोलती है कि हमें सिर्फ पुरुष और महिला, यानी कि मेल और फीमेल, हमें सिर्फ इक्वलिटी चाहिए, बस इक्वलिटी मिल जाए। और ये जो पेट्रियार्की सिस्टम है ना, ये पुरुष प्रधान समाज, पिता की संपत्ति, पापा जी की संपत्ति सारे बड़े पुत्र की होगी, प्रॉपर्टी सब पे बेटों का राइट्स होगा, ये खत्म होना चाहिए। ये कहाँ का सिस्टम है? तो पेट्रियार्की सिस्टम की अंत की बात करते हैं ये, और इक्वलिटी की बात करते हैं ये। सब इक्वल हैं। हम डिस्क्रिमिनेशन वाले पॉइंट को डिस्कस कर ही रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको दो बेस पे बांट दिया गया है। एक होता है बायोलॉजिकल, जिसको हिंदी में जैविक कहा जाता है। भेदभाव दो आधार पर किए जाते हैं, एक जैविक आधार पर और एक सामाजिक आधार पर कह सकते हैं हम, यानी कि कह सकते हो लैंगिक आधार पर, लैंगिक जेंडर वेस जो होते हैं, लैंगिक के बेस पे, लैंगिक लिंग के आधार पर, जेंडर वेस और बायोलॉजिकल जैविक वेस। अब दो तरीके के समाज में, यानी कि इन दोनों के कारण अलगाव पाया जाता है, अलग अलग तरीके के लोग पाते हैं। अब ये जो जैविक वाला है, जो बायोलॉजिकल है दोस्त, ये तो नेचुरली है। अब कुछ ऐसे महिलाओं को दिया गया है, जैसे कि जैसे प्रेगनेंसी हो गया, ये सब तो महिलाएं ही हो सकती है, तो उनको ये स्पेशल बायोलॉजिकल है, वो बाई नेचुरली है वो। लेकिन जब हम बात करते हैं जेंडर बेस पर डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सोसाइटी की देन है, ना कि नेचुरली देन है। किसी का कोई लड़की जन्म हुआ है या कहीं पर कोई लड़का जन्म हुआ है, ये तो नेचुरली है, लेकिन जन्म होने के बाद जब उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो जेंडर के बेस पे करते हैं। लड़की, अरे लड़की जन्म होगी, घर के अंदर सब उदास बैठ जाते हैं, लड़की अरे यार मजा नहीं आया, अरे लड़की ये, अरे दहेज देना पड़ जाएगा, है ना डोरी सिस्टम, दहेज पड़ता इसने और काम तमाम कर रखा यार। महिलाओं को ज़्यादा अत्याचार इस वजह से और सहना पड़ता है। और मैं किसी एक धर्म की भी बात नहीं कर रहा, सभी धर्मों के अंदर है, और किसी धर्म में ज़्यादा किसी में कम है जरूर यार, सब जगह है ये। तो लैंगिक बेस पे, यानी कि जो जेंडर बेस डिस्क्रिमिनेशन है, सभी फेमिनिस्ट लोग इसको ख़त्म करने की बात करते हैं कि ऊपर से हमारे ईश्वर ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे प्रभु ने जो बना के भेजा है हमें, तो ये तो हमारा बायोलॉजिकल है, तो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, इसको ख़त्म करने की बात करते हैं कौन? फेमिनिस्ट लोग। तो मेन कारण क्या है? जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के आधार पर भेदभाव करना ही सरासर अन्याय है। महिलाओं के डिप्रेशन का मेन वजह क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पेट्रियार्की सिस्टम, पुरुषों को ज़्यादा आंकना महिलाओं से, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसको ही ख़त्म करने की बात करते हैं हमारे कौन? फेमिनिस्ट। अभी बहुत सारे ऐसे महिलाओं के नाम बताने वाला हूँ, ठीक है, उनको अब नाम रखना है। अब बात करते हैं कि इनका गोल क्या है, इनका गोल क्या है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि इनका मेन गोल है, इस जगह पे ये खड़े हैं और इस रास्ते को पार करके ये इस जगह पे आने चाहते हैं। एक चीज़ देखो जो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे ड्राइंग में यहाँ पे दिखाने की मैंने कोशिश करी है, आई होप आप समझ पाओ इसको। जिस जगह पे ये भी खड़े हैं, ये बहुत छोटी सी जगह है। समाज सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोगों को इतने बड़े लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है। ये हमारी एक महिला है, और ये महिला जो है, ये पूरे लोगों के साथ मिलके समानता का व्यवहार चाहते हैं। तो ये इनका सेम गोल यही है कि हम कोई स्पेशल राइट्स की मांग नहीं कर रहे, बट हम बस इतना चाहते हैं जो पुरुषों को मिल रहा है वो हमें मिले। महिला और पुरुष, मेल और फीमेल में किस बात का डिस्क्रिमिनेशन? दोनों तो एक ही हैं, इसी बात की ये दोस्त चाहते हैं, ये इनका गोल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फेमिनिस्ट का मेन पर्सपेक्टिव क्या हुआ यहाँ पे? बस हमें ये जो सोसाइटी के अंदर जो ये समाज के द्वारा जो भेदभाव दिए गए हैं, हमें इस भेदभाव को ख़त्म करना है। और जो नेचुरली है वो तो सबके साथ है। अब भाई कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, ये तो भाई नेचुरली है ना ये। लेकिन अब कोई गर्ल्स है, कोई बॉयज है, जन्म लेने के बाद हमें ये समझना कि ये जो फेमिनिस्ट थ्योरी है, इसका राइज कैसे हुआ? क्योंकि अब यहाँ देखा ना, ये जो चार्ल्स फोरियर है, इनका 1837 के अंदर इस वर्ड को यूज किया गया,
कि जो भी महिलाओं की राइट्स की बात करेंगे फेमिनिज्म कहलाएंगे, यानी कि फेमिनिस्ट एक थ्योरी के रूप में आ गया। लेकिन इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे करके तीन फेसेस में हुआ, जिसको तीन लहरें कहते हैं हम, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर। पहली लहर में कुछ और डिमांड करी गई, दूसरी लहर में कुछ और चीज़ों की डिमांड करी गई, तो समय समय पर तीनों लहरों के अंदर महिलाओं के द्वारा जो डिमांड करी गई है, इसी को हमने तीन लहरों में या तीन वेव्स के अंदर कैटेगराइज किया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं पहले कि फर्स्ट वेव कौन सा है, जब महिलाओं ने किस चीज़ की बात करी है। और ये फर्स्ट वेव जो है, इसका टाइम जोन यानी जो इसका टाइम पीरियड है वो आपको ध्यान रखना है। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के फर्स्ट में, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में फर्स्ट वेव का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, 19th सेंचुरी के लास्ट और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग का जो टाइम रहा, इस टाइम पीरियड के अंदर क्या महिलाओं का जो फर्स्ट वेव है इसके अंदर जितने फेमिनिस्ट रहे, तो पीरियड ऑफ एक्टिविटी ये रहा। अब बात करते हैं कि इसका जो मेन राइज हुआ सबसे पहले वो रहा यूके एंड यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, इट मीन्स ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसको कहते हैं हम, यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर। और इस टाइम में आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से इनक्वालिटी किया जाता है महिलाओं के साथ, उसी चीज़ को लेकर महिलाओं ने जो डिमांड रखी इस फर्स्ट वेव के अंदर वो रखी, समानता का व्यवहार किया जाए हमारे साथ, मैरिज में समानता हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, पेरेंटिंग राइट्स हमें भी मिले, पेरेंटिंग मतलब जो भी पेरेंट्स के जो प्रॉपर्टी है उसमें हमें भी राइट्स मिले, तो प्रॉपर्टी राइट्स की बात किया इन्होंने, जैसे जो पुरुष को जितना मिल रहा है उतना हमें मिले। अब पापा जी की संपत्ति 10 रुपये की है तो 5 रुपये मुझे मिले, 5 रुपये मेरे भाई को मिले, तो दोनों को बराबर बटे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं वो लड़की होने के कारण उसको कुछ नहीं मिलेगा, सारे 10 रुपये बेटे को ही मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने पेरेंटिंग किसकी, प्रॉपर्टी राइट्स की बात करी, एंड पॉलिटिकल पावर की बात करी, वुमेन सफ्रेज की बात करी। देखो इस समय मेन जो था फर्स्ट वेव के अंदर बताऊं मैं, तो सबसे मेन इन्होंने बात करी वुमेन सफ्रेज की, किसकी बात करी इन्होंने, महिलाओं को वोट्स का राइट मिलना चाहिए। ये ऐसा टाइम पीरियड था जब महिलाओं को वोट का राइट्स नहीं दिया गया था, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री की मैं बात बताऊं तो, चाहे ब्रिटेन हो गया या आपका अमेरिका हो गया या जर्मनी, फ्रांस, इटली, बहुत ऐसे कंट्री है वेस्टर्न कंट्री के अंदर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो फर्स्ट वेव है इसके अंदर मेन जो रहा वो क्या था, चुनाव का अधिकार, है ना, कि महिलाओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए। तो फर्स्ट वेव के अंदर चुनाव का अधिकार सबसे मेन रहा, बाकी ये सब मैंने आपको बताया, इन सब की डिमांड भी करी गई, है ना, वुमेन्स रिप्रोडक्टिव की, इकोनॉमिक राइट्स की, महिलाओं को भी दिया जाए, और इस तरीके से फर्स्ट वेव या पहली लहर इसको हिंदी में कहते हैं, इसकी डिमांड करी गई। अगर आप एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से इस वीडियो को देख रहे हो तो जैसे ही आप लहरों के बारे में बताओगे तो आप बताओगे कि फर्स्ट इसके अंदर इन महिलाओं के द्वारा, इन फेमिनिस्ट के द्वारा, इन नारीवादियों के द्वारा महिलाओं के इन अधिकारों को उठाया गया। अगर आप ऐसे बताते हो, उनके बुक्स के नाम बताते हो, तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी दिखाऊंगा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में मैं उनको भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, क्लियर है। ये देखिए भाई, ये नारीवादी हैं, यहां पे आपको मैंने दिखा दिया है ना कि नारीवाद क्रांति आंदोलन का सामाजिक सिद्धांत है, जो स्त्रियों के अनुभव से पैदा हुआ है, उससे जन्मा है, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको ये खत्म करने की बात करते हैं, और ये पितृसत्ता के अंत की बात करते हैं। पितृसत्ता मतलब पेट्रियार्की सिस्टम, मैंने बताया ना अभी कि जहाँ पे पुरुषों का ही अधिकार होता है, महिलाओं का नहीं होता, तो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे गड्डा लर्नर के अनुसार है, गड्डा लर्नर ये सभी फेमिनिस्ट हैं, इन्होंने क्या कहा कि परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरुषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति और संस्थानीकरण तथा सामान्य रूप से महिलाओं पर पुरुषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है। यानी कि सभी जाने के जितने भी हमने, चाहे राइट टू स्पीच कह ले या जितने भी इंस्टीट्यूशंस कह ले, उन सभी इंस्टीट्यूशन के, चाहे पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, इन सभी जगह पर पुरुषों का वर्चस्व है, महिलाओं का नहीं है। अब देख लो ना यार, भारत के अंदर बात करूँ तो पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन मिले महिलाओं को, आज तक ये बिल पास नहीं हो पाया, क्यों, पूरे पार्लियामेंट के अंदर पुरुष बैठे पड़े, पास कहाँ से होने दे देंगे वो। अब भारत की बात बता रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना भाई, क्लियर है। तो नारीवाद जो है दोस्त वो पितृसत्ता, इट मीन्स पेट्रियार्की सिस्टम के अगेंस्ट एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो गया जिन्होंने पुरुष के जो वर्चस्व, जो उनका हेजिमनी है, उसको ख़त्म करने की बात करी, क्लियर है। चलिए लहर की जो हमारी सपोर्टर हैं मेन, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया इन्होंने मत अधिकार की बात करी है, किसकी, इनको चाहिए इस टाइम पीरियड के, इन्होंने वोट की राइट्स की मांग करी है ना, वुमेन सफ्रेज की बात करी, ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं कि मेन जो है इनके सपोर्टर वो कौन है, क्लियर है। अभी मैं इंग्लिश मीडियम में भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। सबसे पहली जो है वो है एमिली पंखुरट, क्रिस्टेबल पंखुरट, मेरी बोलस्टोन क्राफ्ट, जे एस मील,
क्लियर है। मील हो गया, मील लाग सर की डिमांड कर दी फिर, है ना, हेरिया टेलर हो गया, है ना, रिबिका वोकर हो गया, बेटी फ्रीडन हो गई, एंड मार्गेट फुलर हो गए। ये सभी ऐसे फेमिनिस्ट हुए जिन्होंने महिलाओं के राइट्स की बात करी है, तो इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो नोट्स दिखा रहा हूँ इसके लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ठीक है, क्लियर है। तो प्रथम चरण के नारीवादियों का विश्वास था कि मत देने का अधिकार अगर मिल जाए महिलाओं को तो सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि जो वोट का राइट्स है, फर्स्ट वेव के अंदर बता रहा हूँ मैं, जब 19th सेंचुरी के लास्ट और 20th सेंचुरी के फर्स्ट में जब बात चल रही थी, तब इन्होंने बात करी किसकी, वोट की, राइट्स की, कि राइट टू वोट हमें मिलना चाहिए जिससे हम अपने वोट डालें और हम उन्हीं को चुने जो हमारी डिमांड पूरी करेंगे, इनसे ये हो जाएगा तो सभी खत्म हो सकता है। तो इन्होंने इसकी बात करी। यहाँ पे एक नाम आता है किसका, बेटी फ्रीडन का। बेटी फ्रीडन दोस्त एक ऐसी फेमिनिस्ट हुई जिसकी अपनी पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द फेमिनिस्ट मिस्टिक, 1963 में दोस्त ये बुक आई थी, और इस बुक के अंदर इन्होंने तमाम तरह की महिलाओं के अधिकारों को उठाया। तो यहाँ पे आपको बता दिया सेम, प्रथम चरण जो है 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुई थी, जिसका प्रतिनिधित्व उदारवादियों द्वारा किया गया था। यानी कि हमारे पता है कि जो तमाम तरह के जो थिंकर्स थे वो सब के सब लिबरल्स थे, और लिबरल्स पता आपको वोट का राइट डिमांड करते हैं, वो राइट्स की बात करते हैं। इसलिए जो प्रथम चरण है इसका जो लीडरशिप किया गया वो ऐसे थिंकर्स के द्वारा किया गया, ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा किया गया जो सबके सब क्या थे, जो लिबरल्स थ्योरी को मानते थे, जो उदारवादी थ्योरीज को मानते हैं। अब एक बार मैं दिखा देता हूँ जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो देखो इन्होंने बात क्या करती, जो एक्सप्रेशन हो गया, जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गया, इन सब के ऊपर किसके हैं, पुरुषों का हेजमनी रहता है, उनकी सुप्रीमेसी रहती है वहाँ पे। तो इसमें क्या है, इक्वलिटी आनी चाहिए, ये इसकी डिमांड कर रहे हैं। और पंखुरट हो गया, क्रिस्टेबल पंखुरट हो गए, है ना, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हो गए, मील हो गया, ये सब हो गए। तो इनके आपको हैरिया टेलर हो गया, ये सब आपको वोल्कर हो गया, बेटी फ्रीडन हो गई, एंड मार्गरेट फुलर हो गई। तो ये सब जो नाम से आपको है ये आपको ध्यान रहना है कि इन फेमिनिस्ट लोगों ने फर्स्ट वेव के अंदर महिलाओं की या वुमेन्स राइट्स की बात करी है। ये बात होगी फर्स्ट वेव की। सेकंड वेव पे आने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ मैं मनुस्मृति के बारे में। देखो मनुस्मृति हमारे समाज के बारे में तो बहुत जानकारियां देता है, सामाजिक के जो हमारे नियम वगैरह है, रूल्स वगैरह, इनके बारे में बताता है। दोस्तों यहाँ पे मनुस्मृति के अंदर एक लाइन कही गई है, एक बार थोड़ा उस लाइन को समझते हैं। जो स्त्री है उसको बचपन में अपने पिता के अंडर में, अंडर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा है कौन सा, अधीन वर्ड यूज किया गया है, अधीन मतलब होता है अंडर में। तो स्त्रियों को बचपन में अपने पिता के अंडर में या पिता के अधीन में रहना चाहिए। दोस्त वो अडल्ट हो जाए, जब वो यौन अवस्था में आ जाए, यौवन अवस्था में, तो अपने उनको पति के अंडर में होना चाहिए, यानी कि पति को परमेश्वर मानना चाहिए, भगवान तुल्य मानना चाहिए, और उनकी सभी कहनों को समझना चाहिए, समझना, उनके बातों को कभी भी आलोचना नहीं करना चाहिए। ये सभी बात कह रहा है मनुस्मृति के द्वारा कही गई है ना। तो पति के अधीन रहना चाहिए, और जब स्त्री वृद्धावस्था आ जाए, है ना, जब वो बुढ़िया जैसी हो जाए वो, तो उनको अपने पुत्र के अंडर में रहना चाहिए। जब स्त्री बच्ची हो तो पिता के अंडर में, जब एडल्ट हो जाए तो पति के अंडर में, जब वो बुढ़िया हो जाए तो, जब बुजुर्ग हो जाए तो उसके अपने बच्चों के अंडर में रहना चाहिए। महिलाओं को नीचा दिखाने की मानसिकता आज से नहीं प्राचीन काल से चली आ रही है, और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को ही इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। बात करते हैं अपने हम सेकंड वेव की। 1960 के अंदर सेकंड वेव यानी कि सेकंड लहर की शुरुआत हुई। पेट्रियार्की सिस्टम के अंत की बात करी, साथ ही दोस्तों इस वेव के अंदर राइट टू एजुकेशन की भी बात चली, जिसके अंदर महिलाओं को एजुकेशन मिलना चाहिए, करके राइट टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, हायर एजुकेशन के अंदर भी महिलाओं को राइट्स मिलना चाहिए, क्लियर है। पॉलिटी एक्टिविटी की भी बात करी, इन सब की बात चल रही है, लेकिन मेन जो फोकस चल रहा है पेट्रियार्की सिस्टम की एंड की बात चली। साथ ही दोस्तों जो एजुकेशन है उसके अंदर इक्वलिटी हो मेल और फीमेल के अंदर, इसकी बात करी किसमें, सेकंड वेव के अंदर है। दूसरा चरण जो है, दूसरा चरण के अंदर 1960 के अंदर महिलाओं ने किसका है, शिक्षा की बात करी, और इसका जो मेनली जो विकास हुआ वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इसका विकास हुआ, जब महिलाओं ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करी, राइट टू एजुकेशन की बात करी, कि हमें भी शिक्षा मिलना चाहिए जैसे महिलाओं को वंचित रखा गया अब तक, अब इसके छुटकारा मिलना चाहिए। क्लियर, बहुत सारे बदलाव हुए जिसके अंदर एजुकेशन में इक्वलिटी लाई गई, गर्भपात पर कानून बनाए गए, प्रेगनेंसी पे कानून बनाए गए, जो भी प्रेगनेंट होती है उनको तो छुट्टी मिलनी चाहिए, और बता छुट्टी मिले तो उनको घर पे बैठे हुए सैलरी मिलनी चाहिए, ऐसा कानून बना देगा। समान वेतन यानी कि महिला और पुरुष के आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, इक्वल काम के लिए इक्वल वेतन सैलरी मिलनी चाहिए। नागरिक अधिकार कानून बनाए गए कि महिलाओं के बेस पे ऐसा नहीं है कि महिला है तो उसको नागरिकता या सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए, सभी को लेकर इक्वल कानून बना दिए गए 1960 के वाला जो हमारा लहर है इसके अंदर। इसमें दोस्त जो मेन हमारे फेमिनिस्ट हुए उनका आपको नाम याद रखना है, सिमोन द बुआ, ये देख लिया नाम,
इनकी दोस्त जो ये बुक है, देखो सेकंड डहर है, तो इनकी बुक भी आई थी सेकंड सेक्स के नाम से, द सेकंड सेक्स। ये जो सेक्स पर्ड यार, इसका भी लोग गलत तरीके से मतलब निकाल देते हैं, लेकिन सेक्स का मतलब सिर्फ जेंडर से होता है, गर्ल्स और बॉयज में। प्लीज़, जब तक हमारी सोच और मानसिकता में चेंज नहीं आएगा, महिलाओं के प्रति सम्मान में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सेक्स के जो मन है ना, ये मन में जो अलग तरह से धारणाएं आती है, नाम सुनते हैं, कौन लोग कहाँ क्या और क्या क्या सोचने लग जाते हैं, इसको चेंज करने की जरूरत है। बदलेगा इंडिया तभी जब सोच बदलेगा हमारा। तो 1961 में दोस्त ये बुक आई थी, दोस्त मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा आपको कि नहीं यार, अबे यार तू भी ऐसी बोल रहा क्या बताऊँ, है ना, बहुत बंदे ऐसे सोच रहे, नहीं यार ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है जो आपको बता रहा हूँ। टॉपिक के ऊपर आज बोलने का मौका मिला तो मन के अंदर से भावना निकल जगह आती है। तो सिमोन द बुआ की दोस्त ये जो बुक है, द सेकंड सेक्स, 1961 में ये बुक आई थी, ठीक है। इस बुक के अंदर सेकंड वेव के जितने भी तमाम तरह के राइट्स हैं, जो भी हमने दिखाया, राइट टू एजुकेशन की बात आई, इसमें OAPTR के सिस्टम की एंड की बात आई, तो इस तरीके से इस बुक के अंदर इन्होंने उठाया सेकंड वेव में। इनका नाम, इनकी बुक का नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुलामित फायरस्टोन, इनके बुक का नाम क्या था, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, ठीक है। इनकी बुक का क्या नाम था, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। अब इन्होंने दोस्तों जो भी डायलेक्टिकल जो इशूज है सोसाइटी के अंदर महिलाओं पे, है ना, क्या क्या डिबेट्स होते हैं, क्या क्या बहसें होती हैं, उन तरह की तमाम बातें इन्होंने अपनी बुक के अंदर बताया। 1970 में इनकी ये बुक आई थी। कोई फॉर्म फिलअप करते हो, है दिखते हो गवर्नमेंट फॉर्म फिलअप करते हो, तो वहाँ पे लिखा होता है सेक्स फिलअप करो, सेक्स भरने का फॉर्म आता है, तो आप क्या लिखोगे, ओयो क्या लिखोगे यार, हैं, वहाँ पे लिखना होता है मेल या फीमेल पे टिक लगाना होता है, सिंपल सी बात है यार। लेकिन लोगों के मन में जो पर्सपेक्टिव है, टोटली माइंड ब्लोइंग यार, इस वर्ड को लेकर लोगों ने गलत बना रखा है। और सच बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे, मैं एक लड़का होकर मैं लड़कों की मानसिकता में बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आप सभी को। अगर अपनी बहन जहाँ पे खड़ी हो ना, अपनी बहन को कोई फालतू बोल दे तो अंदर से गुस्सा आ जाता है, लेकिन हम दूसरे की बहनों को उस तरीके से नज़रों से देख लेते हैं, बड़ा मज़ा आ जाता है। पता नहीं किस तरीके की मानसिकता बना रखा है। जब हमने दूसरे की बहनों को अपनी बहन बनाना सोच लिया ना, उस दिन से बुरी दुनिया चल जाएगी। बट आजकल हैवानियत भी इतनी है कि बहन हो क्या हो कुछ नहीं समझते लोग। क्लियर है। जर्माइन थियर, नाम याद रखना दोस्तों, जर्माइन थियर की एक बुक आई थी, ठीक है, नाम लिख लिया आप, क्या नाम है, जर्माइन, हिंदी में भी यही होता है, इंग्लिश में भी इनका यही नाम होता है। तो जर्माइन थियर की दोस्त बुक आई थी, कब, इनकी जो बुक आई थी जिसका नाम था द फीमेल यूनक, 1970 के अंदर इनकी बुक आई थी, और इस बुक के अंदर भी इन्होंने सेकंड वेव के तमाम तरह के राइट्स को उठाया है। क्लियर है। जितने ज़्यादा आप थिंकर्स के नाम, फेमिनिस्ट का नाम लिखोगे, उनके बुक्स का नाम लिखोगे, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कैट मिलेट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई नाम ये, एंड सिमोन द बुआ हमारी हो गई, एंड कैट मिलेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैट मिलेट की दोस्तों जो बुक है, इनका नाम है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स। इसके अंदर इन्होंने बताया किस तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर सेक्सुअल वेस पे पॉलिटिक्स की जाती है। सेक्सुअल मतलब कि जो पुरुष होते हैं उनको टिकट दी जाती है, पॉलिटिकल के अंदर उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, बट महिलाओं को उनका रेशियो बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू मेल, समझा गया आप सभी को। तो इन्होंने इस बुक के अंदर बताया इन सभी बातों को। इनकी जो बुक है वो 1970 में ही आई है, ठीक है, क्योंकि 1960 के ऑनवर्ड ये इनका ये टाइम पीरियड चल रहा है सेकंड वेव का, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्त इवा फिजी है जो इनकी बुक आई है, वो पेट्रियार्की सिस्टम पे आई थी, इसलिए इसका नाम है पेट्रियार्कल यूपी ट्यूडर्स। अब इस बुक को 1970 में पब्लिश किया गया, और इसके अंदर भी तमाम तरह की जो पेट्रियार्कल सिस्टम को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन है, पेट्रियार्की सिस्टम पुरुष प्रधान समाज को लेकर, उसकी इन्होंने बात उठाई। इसके बाद कौन दोस्त, मेरी डेली, इनकी जो बुक है वो है द चर्च एंड द सेकंड सेक्स, और इनकी ये जो बुक है वो 1968 में आई थी। इस बुक के अंदर भी इन्होंने सेकंड वेव की तमाम बातों को अपनी बुक में उठाया है। तो जितने भी मैंने आपको फेमिनिस्ट बताया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, और सेकंड वेव के अंदर भी, और महिलाओं के राइट्स के पर्सपेक्टिव से भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, क्योंकि ये सभी जो बुक्स है ये सेकंड वेव में ही पब्लिश हो रही है, ध्यान रखना है आप। क्लियर है दोस्त, समझ में आया सभी को। तो इस लहर ने महिलाओं पर होने वाली व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, साइकोलॉजिकल और जो जेंडर वेस पे जो भी अत्याचार है, उसकी उन्होंने बातें उठाई है अपनी सभी बुक्स के अंदर, सेकंड लहर के अंदर बात, समझ में आ गया आप सभी को। राइट टू एजुकेशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं हम अपनी किसकी, थर्ड वेव्स की। अब इसके अंदर जब हम आते हैं तो इसमें किस चीज़ की बात करेगा, आपको यहाँ पर दिख गया होगा इस सब चीज़ों से। थर्ड जो वेव है इसके अंदर स्पेशली आज का ये जो हमारा समय चल रहा है मेन, है ना, ये देखिए पहले आप,
थर्ड जो वेव है ये 1990 में स्टार्ट हुआ, स्पेशली 1990 में इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, और ये वेव जो है ये अभी तक चल रहा है, ये अभी तक करंटली भी चल रहा है ये, ठीक है, यानी कि 1990 से लेकर ये अभी तक चली रहा है ये, और महिलाएं तमाम तरह की डिमांड्स आज भी करती हैं, तो ये सब थर्ड वेव के अंदर ही आता है। थर्ड वेव के अंदर सभी महिलाओं ने पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन की बात करी है कि हमें भी पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए, हमें भी गवर्नमेंट में शामिल होने का अधिकार है, हमें भी देश चलाना आता है जैसे घर चलाना आता है, महिलाओं को चार दीवारी में सिर्फ सीमित नहीं रखना चाहिए, महिलाएं भी वो कर सकती है जो वो सोच सकती है, और वो सब सोच सकती है जो एक पुरुष सोच सकता है, समझ में आ गया आप सभी को, तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो महिलाओं ने पार्टिसिपेशन की बात करी, चार दीवारी को तोड़कर बाहर निकलने की बात करी, डोमेस्टिक लाइफ तो है ठीक है महिलाओं को, सही है ये सब, लेकिन साथ ही साथ महिला आज बहुत सभी सेक्टरों में, आपको पता है कि डिफेंस हो या हेल्थ हो या एजुकेशन हो, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, महिला सभी सेक्टर के अंदर आ गए हैं इस तरीके से। लेकिन थर्ड जो वेव है इसके अंदर गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन की बात करें, चाहे वो किसी लेवल का हो, अगर हम बात करें तो ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सभी लेवल्स के अंदर दोस्त महिलाओं को राइट दिया जाए। और थर्ड वेव फेमिनिज्म डील विद इश्यूज विच अपीयर लिमिट और अपीयर्स वुमेन, सुना आप सभी को, यानी कि उन सभी चीज़ों को इन्होंने बात करी जो फर्स्ट और सेकेंड वेव के अंदर जो बच गए थे, उन सभी चीज़ों की डिमांड इन्होंने थर्ड वेव के अंदर कर दी, चाहे जो भी राइट्स रहे जो छूट गए थे उन सभी की डिमांड करी, प्लस जो पुरुषों को मिल रहे हैं बट वो महिलाओं को अभी तक नहीं मिल रहा, इन सभी की डिमांड इन्होंने थर्ड वेव्स के अंदर करी है। सबसे बड़ी बात जेंडर वायलेंस हो गया है ना, एंड डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, घर के अंदर पुरुष और महिलाओं में अत्याचार, प्लस इस तरीके से जो आप देखते हैं कि लोग घर में शराब पीकर ड्रिंकिंग करके अपनी वाइफ को मारना, ये सब होना डोमेस्टिक हो गया। डोरी सिस्टम के अंदर दहेजों के नाम पे महिलाओं को टॉर्चर करना, मारना, पीटना, ये सब तमाम तरह की घटनाएँ हैं दोस्त, इसको थर्ड वेव में रखा जाता है, महिलाएँ इन सबसे छुटकारा की बात करती है दोस्त। ये है तीनों लहरें, तीनों चरणें, जब महिलाओं ने अलग अलग टाइम जोन के अंदर अलग अलग राइट्स की डिमांड करी है, और आज भी फेमिनिस्ट हर वो महिला है, हर वो इंसान है जो फेमिनिस्ट होकर या जो महिलाओं के अधिकारों की बात करता है दोस्तों। ये हमारा तीसरा चरण है ना, 1990 से शुरुआत, उसकी मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर लैंगिक हिंसा, जो जेंडर वायलेंस की बात करी इन्होंने है ना, एंड मेन बात ये चले, बाकी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन की बात चली, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। 20वीं शताब्दी के 3 दशकों में नारीवाद प्रमुख रूप से यूरोप, उत्तर अमेरिका तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब ये पूरी दुनिया में फैलते चले गई, और आज हर एक घर के अंदर फेमिनिस्ट जन्म लेती है जब वो ये बोलती है कि मुझे भी वो अधिकार है, मुझे भी वो अधिकार है जो एक पुरुष को है, मैं भी वहीं से आई हूँ जहाँ से एक पुरुष आया है। तो हम नखड़े कर, बेटी हो गई, अरे यार बेटी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, और जो ऐसा बोलने वाला है उसको ये नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, जब तक ये मानसिकता चेंज नहीं होगी ना यार, सोच नहीं हो सकता सोसाइटी के अंदर। खास समय बदलता जा रहा है दोस्त सोसाइटी के अंदर, जहाँ सिटीज़ वगैरह शहरों में तो आज का है बहुत जा रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर आज भी इस तरह की मानसिकता है कि लड़की तो है क्या करेगी पढ़ लिख के, अरे काम धंधा कर ले, घर में रोटी बनाना सीख ले, चाय बनाना आता है चाय बनाना सीख, रोटी बनाना आता है रोटी बनाना आता, नहीं बनाना आता नक्शा बना देती है चल रोटी बनाकर ठीक से, तमाम तरह की घटनाओं को टॉर्चर करके लड़कियों को सिर्फ इन कामों को सिखाया जाता है, स्पेशली नहीं इन कामों को सीख, अरे पढ़ लिख के क्या करेगी, अरे बड़ी हो जाएगी तो क्या करेगी, 12th पास करेगी, शादी करवा देंगे, ब्याह करवा देंगे, बच्चे कर लियो, काम खत्म, जिंदगी जी लियो बस यहीं तक, इसी तरह की मानसिकता की दोस्त जो सोच है लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ एक चार दीवारें बांध कर रख देती है सिर्फ। आज ये लड़की कुछ करने भी सोचे ना, क्या करूँ महीने घर पर सपोर्ट ही नहीं करते, घर वाले बोलते नहीं कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना, सोशल मीडिया का ज़माना है, लड़कियाँ चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ आप कर तो सकते हो, लेकिन देखो पेरेंट्स का डर भी जायज़ है, मैं ये नहीं कह रहा उनका भी डर भी गलत है, उनका डर जायज़ है, हर माँ बाप अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं ये तो सब जानते हो आप, लेकिन ये चीज़ अलग चीज़ है यार कि बिल्कुल ही मतलब जकड़ लो कुछ करने ही ना दो ये सब हो जाए। हर एक लड़की का अपना अधिकार होना चाहिए कि उसको किस तरीके से अपने पेरेंट्स को ये बिलीव दिखाना है या बिलीव दिलाना है कि मैं वो कर सकती हूँ, मुझे एक मौका दो। बाकी ऐसे लोगों का मुंह बंद करना सभी बेटियों को आना चाहिए जो ये कहते हैं कि तू लड़की है ना कुछ नहीं कर सकती, कुछ मत कर, घर का काम सीख, शादी करवा देंगे, काम खत्म, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपका जैसा, ठीक। थर्ड वेव के अंदर जो मेन जो हमारे फेमिनिस्ट है वो सिमोन द बोवाई है, जो आपको दिखाया मैंने है ना, जो इनकी द सेकंड सेक्ट जो इनकी बुक है, इस तरह की तमाम तरह की जो थिंकर्स सेकंड वेव में है वही सेकंड वेव वाली थिंकर्स ने भी कंटिन्यू किया थर्ड वेव को, और इस तरह की डिमांडें चली
क्लियर है। तो दोस्तों ये तीन वेव्स जो अभी हमने डिस्कस किया, तीन वेव्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए किस तरीके से फेमिनिस्ट राइट्स का भी डेवलपमेंट हुआ है। अब हम बात करेंगे तमाम तरह की आइडियोलॉजी है, जैसे कि लिबरलिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, है ना। इस लिबरलिज्म के साथ नारीवाद को यानी कि फेमिनिज्म को जोड़ दिया गया है, तो इसके बाद इनका क्या मतलब हुआ और ये किस तरीके के डिमांड करते हैं दोस्तों, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है लिबरल फेमिनिज्म। ये डिमांड करते हैं किसकी, राइट्स की डिमांड करते हैं कि महिलाओं को और पुरुषों को समानता मिलनी चाहिए, यानी कि जैसी महिला है वैसे पुरुष है, जैसे पुरुष है वैसी महिला है, तो इसके बीच पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम बात करते हैं लिबरल फेमिनिज्म की, तो लिबरल फेमिनिज्म जितने भी सपोर्टर्स हैं इसके लिबरल वाले, ये बात करते हैं जो पैट्रियार्की सिस्टम है ना इसका अंत होना चाहिए और जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। तो दो चीज़ याद रखना, लिबरल फेमिनिज्म को आप डिस्क्राइब कर सकते हो आराम से, बस इसका जो है ना की पॉइंट्स वो पता होना चाहिए। पैट्रियार्की सिस्टम जो पितृसत्ता है ना, पुरुष प्रधान समाज, इसको खत्म करने की बात करते हैं और जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं 18 सेंचुरी के अंदर दोस्त, इस तरीके से इसका बहुत तरीके से तेजी से राइज हुआ और ये तमाम देशों के अंदर फैलता चला गया। क्लियर दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है, चाहे महिलाओं को जो भी तमाम तरह के राइट्स वगैरह हैं। फिर तो लिबरल किसकी बात करें, लिबरल बात करते हैं राइट्स की, तो जो राइट्स पुरुषों के पास है वो राइट्स महिलाओं को ही मिलना चाहिए। हाँ, ऐसे बहुत सारे लिबरल थिंकर्स हुए जिनको नेगेटिव माना जाता है, उनके थॉट्स महिलाओं के अगेंस्ट में रहे, है ना, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं। लेकिन जैसे कि महिलाओं को कमज़ोर मानना पुरुषों के मुकाबले में, ऐसे थिंकर्स हैं। बट अब जाके जब मॉडर्न पीरियड के अंदर हम बात करेंगे, 18th century, 19th century, 20th century के अंदर, तब जाके इन्होंने जेंडर इक्वलिटी की बात करी और पैट्रियार्की सिस्टम की एंड की बात करी। तो दोस्त ये है किसकी, कौन ये दोस्त है, लिबरल फेमिनिज्म, जिसके अंदर फ्रीडम, आइडिया ऑफ फ्रीडम हो गया, इक्वलिटी हो गया, जस्टिस हो गया, इन सभी चीज़ों की डिमांड करते हैं कि महिलाओं को ये उस तरीके से मिलना चाहिए जैसे कि पुरुषों को मिलता है। क्लियर दोस्त, ये आपको ध्यान रखना, यानी कि सपोर्टिंग द राइट्स, ये बात करते हैं किसकी, ये राइट्स की बात करते हैं। और इसी में दोस्त जो मेन जो फेमिनिस्ट है वो 1792 के अंदर एक बुक आई थी, उस बुक का नाम क्या था, महिलाओं के अधिकारों को समर्थन, इन्होंने किसने, मेरी वॉलस्टोन की दोस्त, ये बहुत फेमिनिस्ट, बहुत फेमस फेमिनिस्ट है, आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने अपनी 1792 के अंदर जो इनकी बुक आई थी, कौन सी, महिलाओं के अधिकारों का समर्थन, इस प्रकाशन के अंदर, इस पब्लिकेशन के अंदर, जो कि लंदन में पहली बार इस तरह की बुक आई, जिसके अंदर इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात करी, जैसे पुरुषों को मिलता वैसे सेम महिलाओं को मिलना चाहिए। ऐसी और थिंकर है क्रिस्टिन डी पिजान, है ना, इन्होंने जेंडर रिलेशन के बारे में बताया, महिलाओं के बारे में। इन्हीं के साथ एक और थिंकर है जिन्होंने महिलाओं के राइट्स की बात करी है, वो है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने अपनी बुक के अंदर, जिनकी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, इस बुक के अंदर इन्होंने ये बताया कि स्त्रियों को उनकी कमजोर बुद्धि का बहाना बनाकर अधिकारों से वंचित रखना सरासर गलत है। महिलाओं के अंदर बुद्धि नहीं होती, राइट टू वोट नहीं मिलना चाहिए उनको, ये नहीं मिलना चाहिए, तो ये एक बहाना है बस और कुछ भी नहीं, जो कि पुरुषों के द्वारा एक षड्यंत्र है, कंस्पायरेशन है, ये जो पुरुषों ने गढ़ रखा है, ये महिलाओं को कमजोर कह रखा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जेरेमी बेंथम ने अपनी इस बुक के अंदर कहा और ये कहा कि जो अधिकार पुरुषों को मिल रहा है वही सेम अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए, अधिकारों के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जेरेमी बेंथम के द्वारा ये कहा गया है। और जो ये डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जेरेमी बेंथम ने इसकी आलोचना करी है, ठीक है, क्रिटिसाइज किया है। और मेन जो थिंकर हैं लिबरलिज्म के, फेमिनिस्ट के अंदर बताऊं मैं, तो मेरे में जो थिंकर का नाम है, बारी स्टोनक्राफ्ट हो गए, हेरियट टेलर हो गया, जेस मिल हो गया, टी फ्राइडन, ग्लोरिया स्टेनम एंड रेविका वाकर जैसे नाम शामिल है इस फर्स्ट वाले में। तो जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप शायद आप इसको नोट डाउन कर लो तो बहुत बेहतर रहेगा, साथ ही आप इसको नीचे से भी देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। क्लियर दोस्त, चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड, समाजवादी मार्क्सवादी नारीवाद की। ये बात करते हैं पूंजीवाद है महिला गुलामी की जड़, पूंजीवाद के खत्म की बात करते हैं जैसे मार्क्सवादी सोशलिस्ट लोग, वैसे ही महिलाओं ने भी बात करी है। लेकिन ये बात पता क्या करते हैं, ये बात करते हैं कि सभी घरों के अंदर जो महिलाएं हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए, उनको एक हो जाना चाहिए, उनको यूनिटी बना लेना चाहिए अपनी, और अपनी यूनिटी के साथ ही अपने राइट्स की डिमांड करनी चाहिए। तो सभी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर जो महिला अपने घरों में है उनको एक करने की बात करते हैं समाजवादी नारीवादी, समाजवादी कह लो या मार्क्सवादी कह लो, ठीक है, इसकी बात करते हैं। साथ ही ये बात करते हैं कि जो भी महिला खेती करती है
जो महिला खेती करती है उन सभी महिलाओं को अपना जमीन होना चाहिए, उनकी अपनी भूमि होनी चाहिए जहाँ पे वो खेती करें। तो इसकी बात करते हैं साथ ही दोस्तों, ये बात करते हैं पितृसत्ता की विचारधारा समाज से बिल्कुल ही खत्म होनी चाहिए, पैट्रियार्कल सिस्टम सोसाइटी से बिल्कुल ही खत्म होनी चाहिए। भारत में अगर मैं समाजवादी नारीवादियों की बात करूँ तो ये भी बात कर रहे हैं कि घरों में काम करने वाली महिलाओं को एकजुट हो जाना चाहिए, खेतीयर मजदूर जो खेती करते हैं उनको अपनी जमीन मिलनी चाहिए, उनको अपनी लैंड्स मिलनी चाहिए, ये इसकी बात करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो समाजवादी नारीवादी है इनकी जो सोच है वो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी में इक्वलिटी होनी चाहिए, बस यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, ये हर उस सेक्टर की बात करते हैं जहाँ पे महिलाओं को पुरुषों जैसा अधिकार मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सोसाइटी के अंदर पूंजीवाद सिस्टम है तो पूंजीवाद के अंदर पूंजीपति बहुत तरीके से देखा गया है पुरुष हो जाते हैं, तो पुरुषों के अंडर में ही महिलाओं को इक्वलिटी नहीं मिल सकता, इसलिए ये भी महिलाएँ पूंजीपति की खत्म करने की बात करते हैं, है कैपिटलिस्ट की खत्म करने की बात करते हैं, पूंजीपतियों की खत्म करने की बात करते हैं। और एक खास बात यार, समाजवादी नारीवादियों ने ये कह दिया, देखते हैं बड़ा बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, कि महिलाओं को यौन संबंध कार्य भी पुरुष के मर्जी के अनुसार ही करना पड़ता है। लाइन का सीधा साधा मतलब है कि पुरुष यानी कि मेल फीमेल को अपने बस शरीर की संतुष्टि के लिए यूज कर रहे हैं बस, जैसा कि समाजवादी नारीवादियों ने कहा है। यार आजकल लोग जिस्म से प्यार करते हैं, रूह से प्यार करने वाले कहाँ मिलते हैं, बहुत मेंटेलिटी बनी पड़ी है कि बस महिलाओं का काम भी इतना है पुरुष को संतुष्ट रखना, पुरुष को खुश रखना। अरे बाढ़ में जाए ऐसे सोच, जब तक महिलाएं अपने आवाज़ों को नहीं उठाएंगे जब तक कुछ नहीं होगा, तो प्लीज रेज यूर वॉइस, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी समाजवादी नारीवादी रहे, जितने भी फेमिनिस्ट लोग हुए जो सोशलिस्ट को फॉलो करते हैं, इनके द्वारा दोस्त क्या हुआ, शिकागो विमेंस लिबरेशन यूनियन बनाया गया, कब 1972 के अंदर। और इस यूनियन को बनाया गया इसलिए, और इस यूनियन में ये भी कहा गया कि जो भी समाजवादी नारीवादी हैं वो ये सब मानते हैं कि जब तक पूंजीवादी वर्ग है समाज के अंदर, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है इन्हीं का वर्चस्व रहेगा, इन्हीं का कब्जा रहेगा उसके ऊपर, और सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हो सकता, इसलिए ये पूंजीवाद की खत्म की बात करते हैं। जैसे कौन, कार्ल मार्क्स के द्वारा, फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा बात की गई है। तो दोस्तों फ्रेडरिक एंगल्स को ही विचारों को ये कंटिन्यू करते हैं, कार्ल मार्क्स के विचारों को ये कंटिन्यू करते हैं, फेमिनिस्ट जो कि सोशलिज्म को मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है रेडिकल नारीवाद। रेडिकल नारीवादी यानी कि जो रेडिकल फेमिनिस्ट लोग हैं, इन्होंने क्या कहा कि जेंडर ही है मेन कारण सभी डिस्क्रिमिनेशन का। तो ये बात करते हैं, जेंडर खत्म करना है, पैट्रियार्की सिस्टम खत्म करना है, हमें पितृसत्ता खत्म करना है, जेंडर के बेस पे लिंग के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है इसको खत्म करना है। महिला है तेरे को ये नहीं मिलना चाहिए, तू महिला है तू ये नहीं कर सकती, तू लड़की है अरे तेरे तू बहुत कमजोर है, अरे पुरुष बहुत ताकतवर होते हैं, ऐसे तमाम तरह की मानसिकता सोसाइटी के अंदर आज भी पनप रहे हैं। तो जरूरत है इन सभी मानसिकता वाले लोगों के सोचों को बदलना, लोगों को खत्म नहीं करना, बस उनकी मानसिकता को खत्म करना। ठीक है दोस्त, तो ये पितृसत्ता की भी कारण महिलाओं को साथ बोलते हैं कि गलत हुआ है, तो पितृसत्ता खत्म करने की बात करते हैं। बट रेडिकल जो नारीवाद के लोग हैं ना, ये डिस्क्रिमिनेशन है क्यों महिलाओं के साथ, ये डिस्क्रिमिनेशन है क्यों, ये उसके जड़ तक जाना चाहते हैं। कौन, फेमिनिस्ट यानी कि जो रेडिकल फेमिनिस्ट वाले हैं। जब ये जड़ पे गए तो पैट्रियार्की सिस्टम पहला, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दूसरा। जब ये खत्म हो जाएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही है मेन जड़, जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करना। महिला है तो ये नहीं कर सकती, पुरुष है तो ये कर सकता है, महिला है चल तेरे बस बस की नहीं है ये, चल तू घर में बैठ चार दीवारी में रहा, तमाम तरह की दोस्तों ये विचारधाराएं सोसाइटी के अंदर आज भी पनप रही है। जरूरत है तो इन विचारधाराओं को खत्म करने की। दोस्तों रेडिकल के अंदर जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा वो है दोस्तों सिमोन द बुआ की, जो मैंने आपको बताया था रेडिकल। तो सिमोन द बुआ दोस्तों रेडिकल फेमिनिस्ट है ये, ठीक है। इनके जो बुक है द सेकंड सेक्स, इसके अंदर इन्होंने रेडिकल फेमिनिस्ट के रूप में जो भी तमाम तरह की घटनाएं जो राइट्स हैं इन्होंने उठाई है, और वो सभी बातें बताया कि बस इन्होंने पता क्या कहा कि जो महिला है जो स्त्री है वो पुरुषों के लिए उसका यौन आकर्षण ही होता है। बस बस ये बात कर रहे यौन की, यौन संबंध बनाना जानते हैं पुरुष बस, और इस तरीके से महिलाओं को जिस्म के साथ खेला जाता है, रूह से प्रेम नहीं किया जाता सोसाइटी में, ये बचा ही कहाँ है। डोमेस्टिक लाइफ के अंदर तमाम तरह के कलेशे करना, ये करना वो करना, तो सभी चीज़ों को महिलाओं को ही क्यों सहना पड़ता है। कभी किचन में जाके गए हो जब मम्मी घर पे नहीं होती, तो जब किचन में जाना लगे हो गए बोर करने आए हो, अरे वो डिब्बा कहाँ रखा है, अरे चम्मच कहाँ रखी है, वो कहाँ रखा है, मम्मी कैसे संघर्ष करती है ये हम सब जानते हैं। तो एक लड़की ही आगे चल के मम्मी बनती है, तो प्लीज सभी का सम्मान करें भाई। नेक्स्ट कौन सा है, पर्यावरणीय नारीवाद। ये बात किसकी करते हैं, ये बात तो करते हैं पता, जो पितृसत्ता है ना, पैट्रियार्की सिस्टम जो है, कहीं ना कहीं यही है सब बेइज्जत है, जो है पुरुष ही है, वो
ऊपर यही मानसिकता है जिन्होंने पुरुषों को ऊपर और महिलाओं को नीचे कर रखा है और जिसके वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ पड़ा है। बट पर्यावरणीय नारीवाद जो है ये कहते हैं कि जो जैविक भिन्नता है, जैविक भिन्नता जो बायोलॉजिकल है, ये तो ठीक है ना, लेकिन जो सोसाइटी के द्वारा दी गई है उसको खत्म करने की बात करते हैं। प्रकृति से निकटता, पालन पोषण करने के गुण, जनवादी और इकट्ठे रहने की भावना, शांति बनाए रखना, ये सभी विचारों की ये बात करते हैं। साथ ही ये बात करते हैं, नेचुरली की बात करते हैं। ये नेचुरली जब एक मान लो किसी घर के अंदर एक लड़का या लड़की जिनका जन्म हुआ है, लड़के की परिवरिश के अंदर और लड़कियों के परिवरिश में बहुत बड़ा चेंज देखा जाता है। लड़कों को जहाँ पहनावे में, खाने में, कपड़े में, शुरुआत से ही बता रहा हूँ मैं, पढ़ाने में, उनके फैसिलिटीज़ को पूरे करने में, दोस्तों बच्चों के जो लड़का है वो ही सिंपल उसको हर चीज़ ला कर दे देंगे, लेकिन लड़की है नहीं, तेरे को नहीं देना ये, तू नहीं खाएगी ये, भाई के लिए है, अरे तेरे लिए नहीं लाऊंगी, तेरे लिए खिलौना नहीं आएगा, तू ही टॉय से नहीं खेलेगी, तू इससे नहीं खेलेगी। यानी कि इस तरीके की भावनाएं लड़कियों के मन में बचपन से ही होता है, जब बड़े आके वो इन सब चीज़ों को झेलते हैं। जरूरी है पेरेंट्स को ठीक होना, जो इस तरह की भावनाओं को कर भी रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। वो गर्ल्स है तो वो अपने रीजन से थोड़ी है कि वो गर्ल्स है तो उसके साथ ऐसा हो। हमारी मानसिकता जब तक ऐसी रहेगी तो गर्ल्स और बॉयज़ में ये जो डिस्क्रिमिनेशन ये खत्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अश्वेत नारीवाद। अश्वेत स्त्री के शोषण की परिस्थिति ज़्यादा जटिल है, चाहे अमेरिका हो, आपको पता है कि 1960 के अंदर एंड अफ्रीका, यार आपको अपर टाइट की पॉलिसी, तो महिलाओं के साथ अगर वो अश्वेत है, अरे या इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन अश्वेत। अब देखो अफ्रीका की अपनी अपना उनको पता है, अपना ही उनका नेचर है यार, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट काले ही हैं। तो जैसे अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, अफ्रीका के तमाम कंट्रीज़ के लोगों पे, तो आपको पता है कि यूरोपियन कंट्री ने उनको गुलाम बना रखा था, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ये सब हो गए। तो ये सब गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, ये सब क्या कहते थे, एक गज की दूरी पे खड़े हो हमसे, चलो दूर रहो हमसे, तुम काले लोग हो, तुम ये हो, तुम वो, तुम हीन जाति के हो, तुम हाफसी हो, है ना, मोस्टली लोग उनको हाफसी लोग के डिनोट करते हैं जो अफ्रीकन लोग हैं। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ही गलत चीज़ है ये। अब दोस्तों वो ब्लैक लोग हैं, अगर वो अश्वेत हैं तो इस तरीके से थोड़ी है यार, हैं ओबामा भी तो अश्वेत है, अमेरिका का राष्ट्रपति बना ना, दोस्तों नेल्सन मंडेला भी तो अश्वेत थे, है दुनिया के अंदर नाम चमकाया ना। तो अश्वेत, श्वेत, गोरा, काला, पीला, नाला, गिट्ठा, बोना, ये सब प्राकृतिक के द्वारा है, लेकिन इसका भेदभाव समाज के द्वारा पैदा किया है। तो जो समाज के द्वारा पैदा की गई चीज़ है हमें उसको ख़त्म करना है, ठीक है। हम जो काला है गोला नहीं बना सकते, हम कोई भैंस है, भैंस को थोड़ी हम फेरन लबी लगा के उसको गोरा बना देंगे, नहीं, जो नेचुरली है वो तो वैसे रहेगा। तो बायोलॉजिकल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन तो जो सोसाइटी के द्वारा रेज किया गया है जोर से उसको ख़त्म करने का, अमेरिका हो गया वगैरह इन सब आपको मतलब वोट के राइट तक नहीं थे, अपर टाइट की पॉलिसी अफ्रीका के अंदर काले गोरे की जो पॉलिसी थी वो कानूनी रूप से लागू कर दी गई थी, इवन अमेरिका के अंदर लागू कर दिया गया था। और आज आपको पता है कि आज भी करंट डेट में बता रहा हूँ दोस्तों, अब जो बाइडन आ गया ना, ट्रंप के शासनकाल में क्या था, है काले पे व्यक्ति काला है भाई, गोली मार दे भाई उसको। तो कहीं ना कहीं इस तरह की मानसिकता आज भी पनप रही है, अमेरिका वगैरह हो गया, वेस्टर्न कल्चर के अंदर आज भी है इतनी यार। और भारत में देख लो ना यार, लड़की भाई लड़की वाले आए हैं, अरे लड़की कैसे ना भाई, गोरी है, काली है, यहाँ भी देखा जाता है यार। यानी कि लड़की काली है तो उसकी शादी नहीं होगी, अब वो काली है तो अपने रीजन से है। सब लड़के चाहते हैं कि हमें गोरा होना है, हमें लैक्मी लगाना है, हमें पाउडर लगाना है, हमें ये लगाना है, हमें सुंदर बन जाना है, जैसे हो उसमें खुश रहो। माता बुद्धि की लाइन याद रखना हमेशा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अब रेडिकल जो फेमिनिस्ट है भाई, इसमें पैट्रिसिया हिल कोलिंस ने इनके जो द्वारा जो बुक लिखी गई है उस बुक का नाम है फेमिनिस्ट थॉट। और इस बुक के अंदर तमाम जो अश्वेत नारीवादी के लोग हैं, जो भी अश्वेत महिलाएँ हैं, उनके अधिकारों की बात करिए और ये बात करिए कि अश्वेत होने के कारण उनके साथ अगर भेदभाव किया जाता है तो सरासर ये गलत है। अश्वेत वो बाय नेचुरली है, उनके साथ कोई भेदभाव किया जाता है तो वो समाज सोसाइटी के देने, जो कि नहीं होना चाहिए। इस तरीके से दोस्त हमने बात करी तीनों वेव्स की और सभी अपने हमने आइडियोलॉजीज की बात करी। तो महिलाओं की ये सब बात तो हो गई यार, आज महिलाओं को जिस तरीके से मतलब कि सहना पड़ता है इन सब तमाम चीज़ों को यार, सब जगह महिलाओं को ही क्यों सहना पड़ता है, ये क्वेश्चन कभी किया आप सभी ने? जब स्टार्टिंग से ही इंसान मतलब कि दो तरीके से थे, पुरुष और महिला, पता क्या हुआ था कि महिला ना मान लो कि पुरुष कोई काम कर रहा है और महिला मान लो कुछ ऐसी पीछे खड़ी है कुछ भी, धरती पर स्टार्टिंग में जब लोग आए ही थे, जब धरती पर लोग आए थे, अब मान लो कोई काम फटाफट पुरुष ने जाके कर दिया और महिला उस समय खड़ी है, ऐसे समय बीतता चला गया, चीतता चला गया, तो आगे चल के पता क्या हुआ कि सभी लोगों ने ये सोच लिया कि ये काम पुरुषों का ही है,
खेती बाड़ी करना, ये करना, गड्ढे खोदना, पहाड़ को तोड़ना, शिकार करना, ये सब पुरुषों ने अपना काम सोच लिया। महिलाओं काम बोल जाए कि नहीं तुम छोटे मोटे कटाई बुनाई कर लो, घर को काम कर दो, चूल्हा चाखन ये सब करो, बस यहीं तक लिमिट रख दो। और यही जो आइडियोलॉजी है वो आगे तक चलता गया चलता गया चलता गया, और पुरुषों ने बस इन महिलाओं को अपने लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया तमाम सोसाइटी के अंदर। और आज भी दोस्त मानसिकता इतनी है कि भारत के अंदर हर एक मिनट के अंदर ना जाने कितनी लोगों का, कितनी लड़कियों का अपहरण, इतनी महिलाओं से रेप हो जाना और घटनाएं घट जाना दोस्त ये आम बात हो चुकी है भारत के अंदर। दोस्त भारत के अंदर भी एक समय है भाई आज भी जहाँ पे ये भी माना जाता है महिलाएं असुरक्षित है। जब दोस्त कोई घटना प्रियंका रेड्डी जैसे हाथरस वाली कोई घटना हो जाती है तो हमारे अंदर पूरा राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है, महिला के लिए कानून बनाओ, ये करो वो करो, और जब कोई घटना खत्म, मामला शांत, हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर कोई घटना घट जाएगी तो कैंडल मार्च निकालने के लिए जंतर मंतर पे पहुंच जाएंगे। तो ये कब तक चलता रहेगा ड्रामा, कब तक और चलेगा भाई? जब तक ऐसे दरिंदों को कानून को भी फोर्सफुली लागू करो और ऐसे लोगों की मानसिकता को चेंज करना ही इसका मेन सॉल्यूशन है। इस तरीके दोस्तों हम कह सकते हैं कंक्लूजन के रूप में कि नारीवादी जो सिद्धांत है या जो फेमिनिस्ट थ्योरी है, इनका मेन जो मकसद है वो ये है कि पुरुष और महिलाओं में समानता होना और जो ये पुरुष प्रधान सोसाइटी है, जो पेटीआरकी सिस्टम है, इसका अंत करना। आई होप फुली दोस्त आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। प्लस जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को यहाँ पे फटाफट दिखा देता हूँ एक बार। फर्स्ट फेज हमारा ये हो गया, सेकंड फेज हो गया, थर्ड स्टेज हो गया। लिबरल फेमिनिज्म में हमने ये देख लिया था सारी थ्योरीज हमारी कंप्लीट हो गए यहाँ पे। एंड ये हमारे हो गया सोशलिस्ट मार्क्सिज्म वाली, है ना, एंड जो हम ये चाहते हैं कैपिटलिज्म का अंत करना, एंड करना। ठीक है दोस्त, ये क्लियर हो गया सब सबका आपका। एंड ये हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट हमारा। एंड रेडिकल फेमिनिज्म की हमने बात करी, ये बात किसकी करते हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर के बेस पे उसका ख़त्म होना चाहिए, साथ ही जो पेटीआरकी सिस्टम है उसका एंड होना चाहिए। क्लियर दोस्त, एंड ये यहाँ पे हो गया। एंड इसके बाद हमने एक बात किया ब्लैक फेमिनिज्म की, जिसमें ब्लैक जो वुमेंस हैं उनके ऊपर जो एक्सप्लोटेशन है ये अपनी एंड की बात करते हैं। हमारा इन्वायरमेंटल फेमिनिज्म जो सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन की बात करते हैं और पेटीआरकी सिस्टम को एंड करने की बात करते हैं, क्योंकि इसी वजह से सारा मेन जो जड़ है समस्या की वो यही है। तो ये हमने पूरा टॉपिक ख़त्म कर लिया है। तो नारीवाद पे हमने एक करके सभी पॉइंट्स पे बात करी है। ऐसा कोई टॉपिक है जो मुझे छोटा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कोई शिकायत करनी हो या मुझसे कुछ बात करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो और आके पर्सनली बात भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियोस आपको और कहीं मिलने वाली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी फ्री और वीडियोज़ के लिए। तो बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि जैसे मेरी वीडियोज़ आए एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग आपके पास फटाफट नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उसी टाइम वीडियोज़ को देखो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्त मैं रोज़ाना अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपकी क्या राय है महिलाओं के बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। महिलाएं वो कर सकती है जो वो सोच सकती है और वो सब कुछ सोच सकती है जो एक पुरुष सोच सकता है, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन और क्यों होता? ना जाने किसने में मोमबत्ती पकड़ना सिखा दिया, वरना महिलाओं के सम्मान में तो लंका दहन और महाभारत करने की संस्कृति है हमारी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।